गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम व्याकरण की पुस्तक में से पढ़ेंगे पार्ट 8 लिंग। इस पाठ में हम लिंग की परिभाषा, उसके भेद और उन भेदों के कुछ नियम, उनको पहचानने के कुछ नियम हैं वो जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं लिंग की परिभाषा से। शब्द का वह रूप जो पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराए उसे लिंग कहते हैं। जो स्त्री और पुरुष में अंतर बताता है वो हमारा लिंग कहलाता है। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग की परिभाषा, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। मतलब जो पुरुष जाति को बताता है कि ये पुरुष है उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। पुरुष जाति पुल्लिंग शब्द को, शब्दों को पहचानने के कुछ नियम हैं। मतलब पुल्लिंग, कौन से शब्द आपके पुल्लिंग हैं उनको पहचानने के कुछ नियम हैं। पहला है देश, पहाड़ों, देशों, पहाड़ों तथा महासागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे देश हैं, पहाड़ हैं और महासागर हैं उनके नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, दूसरा है महीनों और दिनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। पेड़, अनाज, धातु के नाम, ये भी पुल्लिंग होते हैं। रत्नों तथा ग्रहों के नाम, पृथ्वी को छोड़कर जितने भी रत्न और जितने भी ग्रह हैं उन सब, वो सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। शरीर के कुछ अंगों के नाम जो हैं वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे सिर, गला, कान, हाथ, पैर, ये जो नाम हैं शरीर के जो अंग हैं इन, ये पुल्लिंग होते हैं, इन, ये पुल्लिंग उसमें आते हैं। द्रव्य पदार्थों के नाम जो हैं वो भी पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, और जिन शब्दों के अंत में अ, अ, आ, पन, पा, न, आ, त्र, आर, आस, क, तर आदि, ये शब्द जिन शब्दों के अंत में आते हैं वो सब क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नियम आपको हैं, आपके पास मैंने कार्य परियोजना के द्वारा भी भेजे हैं, इनको आप याद कर लोगे, इनको आप पढ़ लोगे तो आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नियमों को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। अब है हमारा दूसरा भेद, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग की परिभाषा, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। मतलब जो स्त्री जाति को बताता है वो स्त्रीलिंग कहलाता है। अब यहाँ पर है स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने के कुछ नियम, जैसे भाषा, नदी, तिथि, बोली, लिपि आदि के नाम ये स्त्रीलिंग होते हैं। कोमल भावों को भाव होते हैं और शक्ति सूचक जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। कोमल भाव हमारे क्या होते हैं, मतलब जैसे दया, ममता, करुणा, ऐसे वाले भावों के लिए जो होता है ये हमारे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक है, और जितने भी हमारे शक्ति सूचक, मतलब पुलिस और ये बैठक और समिति और ये जितने भी शक्ति सूचक जो पावरफुल चीज़ों के लिए बोले जाते हैं वो हमारे स्त्रीवाचक शब्द होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ई, आवट, इया, त, आई, आइट, आस, त, व, वट, आनी, इन, आइन आदि शब्द आते हैं, ये सारे क्या होते हैं, स्त्रीवाचक शब्द होते हैं। ठीक है, ये आपके सारे स्त्रीवाचक शब्द हैं। अब इसमें है कुछ विशेष। विशेष क्या है, हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो हमेशा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रहते हैं। मतलब जो पुल्लिंग है वो पुल्लिंग ही रहते हैं और जो स्त्रीलिंग है वो स्त्रीलिंग ही रहते हैं। जैसे स्त्रीलिंग में आपके आते हैं मक्खी, कोयल, मछली, छिपकली, चील, मैना, गिलहरी आदि, ये आपके सब स्त्रीलिंग में आते हैं। कोयल, ये जितने भी शब्द नीचे ये आपको दिख रहे हैं ये आपके स्त्रीलिंग, उसमें स्त्रीलिंग में ही आते हैं। इसके नीचे है पुल्लिंग, तोता, भालू, मच्छर, मगरमच्छ, पक्षी, पशु, गैंडा, मच्छर, खरगोश, ये आपके पुल्लिंग। तो ये जो शब्द हैं, ये जो स्त्रीलिंग है वो स्त्रीलिंग ही होते हैं और जो पुल्लिंग है वो पुल्लिंग ही होते हैं। ऐसे शब्दों के जो नर या मादा, उनमें हम जोड़कर उसके उनका लिंग परिवर्तन करते हैं। ठीक है, कि कौन मतलब फीमेल है और कौन मेल है वो उसको जोड़कर ही लिंग का परिवर्तन किया जाता है। अदरवाइज़ ये जो शब्द हैं ये स्त्रीलिंग के स्त्रीलिंग रहते हैं और जो पुल्लिंग है वो पुल्लिंग वाले पुल्लिंग ही रहते हैं। इनके अलावा कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका रूप लिंग परिवर्तन के समय बदल जाता है, जैसे माता का पिता, भैया का भाभी, भाई का बहन, नर का मादा, कवि का कवित्री, पुरुष का स्त्री, विद्वान का विदुषी, बैल का गाय, राजा का रानी, विदुर का विद्वान, ये शब्द ऐसे हैं जो लिंग परिवर्तन के समय पर बदल जाते हैं। इनके अलावा कुछ और शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्री और पुरुष
के लिए एक ही समान रूप से बोले जाते हैं, ठीक है। मतलब चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उनके लिए एक ही समान एक ही रूप यूज़ होता है, एक ही रूप में वो प्रयोग किए जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री आदि, ठीक है। ये आपके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में मैंने आपको बताया है। उनको किस तरीके से आप पहचान सकते हो कि कौन सा पुल्लिंग है और कौन कौन सा स्त्रीलिंग है, और कौन सदा पुल्लिंग उसमें रहते हैं और कौन सदा ही स्त्रीलिंग में रहते हैं, वो मैंने बताया है, ठीक है। इसके अलावा मैंने अब आपको मैंने कार्य परियोजना की एक वर्कशीट भी भेजी है, जो आपको अपनी हिंदी कॉपी में करनी है, और ये आप पढ़ोगे, समझोगे और अच्छे से याद करोगे अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। बाय।